ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड अलाइड प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 56 से लेके 59 तक अपन लोग इसके अंदर पढ़ने वाले, किसके अंदर पढ़ने वाले बोलो, सेक्शन नंबर 56 से लेके 59 तक हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए मित्रों, अगर मैं बात करूं, सारे लोग सुनना, पूरा अच्छे से समझना, एकदम डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए, ड्यूटी टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होता है जब मैं मैन्युअली सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता हूं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ट्रांसमिशन में मैं ट्रांसफर नहीं करता, भगवान की दया के कारण, भगवान के कारण वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि अगर किसी पर्सन की मृत्यु होती है तो उसके पास जितनी भी शेयर होल्डिंग्स है वो शेयर होल्डिंग उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या कहा मैंने बोलो, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है। किसके कारण बोलेंगे, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण सिक्योरिटीज यहाँ पे ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, तो दो शब्द समझो, ट्रांसफर में मैं सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करूंगा और ट्रांसमिशन में ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा आऊंगा। सबसे पहले मैं ट्रांसफर आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए यहां पे क्या हुआ, मैं अगर बात करूं आपके साथ, यहां पे जैसे देखो, टाइगर ने दिशा पाटनी को दिया, मतलब शेयर दिया, टाइगर ने दिशा पाटनी को शेयर दिया बेटा, समझे आप बात को, और दिशा पाटनी ने भी लिया शेयर, किसका, टाटा मोटर का, आप समझ रहे बात को, टाटा मोटर का। तो इसे मैं कहूंगा ट्रांसफर, क्या बोलूंगा बोलो जल्दी से, ट्रांसफर, क्योंकि टाइगर, समझना बात को, शेर ने दिशा को क्या दिया, मतलब टाइगर ने दिशा को क्या दिया, शेर दिया, समझना, क्या दिया, शेर ने शेर दिया, वाह वाह, शेर दिया, क्या दिया बोलो जल्दी से, शेर दिया, अच्छा, और किसको दिया, दिशा को, दिशा को दिया। तो ऐसे केस में इसे ट्रांसफर बोला जाता है। अब अरे यार तुम इधर ध्यान दो ना यार, तुम फालतू, मैं कुछ शिव शिव शंभु, बैच के बाद हरिद्वार जाके कम से कम एक दो डुबकी में नहीं होने वाला है, दो चार दिन वहां रुकना पड़ेगा, रोज डुबकियां लगाना पड़ेगा सुबह दोपहर शाम, तब जाके पाप धुलेंगे इस बैच के, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसे अब क्या होगा, अब टाइगर जाएगा किसके पास, कंपनी के पास, टाइगर जाएगा कंपनी के पास और बोलेगा, देखो ना मैंने, बताइए ना जल्दी से, मैंने दिशा को दे दिया, मैंने दिशा को शेयर दे दिया करके, आप समझ रहे हैं क्या बात को, बताइए मेरे को, है ना। तो यहां पे टाइगर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को कि आपके बुक्स में, आप जो रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करते हो ना, आपके बुक्स में दिख रहा है कि ये कंपनी के शेयर मेरे नाम पे है, जबकि अब ये मेरे नाम पे नहीं है, मैंने तो दिशा को दे दिया, समझे क्या आप बात को, मैंने तो, बोलिए ना जल्दी से, मैंने तो दिशा को दे दिया करके, क्या आप इस बात को समझे, बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, यस सर। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसमें यही बात करने वाले हैं कि कैसे एक ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे सिक्योरिटीज को कंपनी रजिस्टर कर सकती है, उसके बारे में पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए यहां पे कंपनी विल नॉट रजिस्टर, कंपनी बोलेंगी नहीं करते हम रजिस्टर, कब तक, जब तक आप एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाते हो, मतलब क्या, एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपको बनाना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है ट्रांसफर डीड। जैसे देखो, जब आप कोई प्रॉपर्टी को बेचते हो बेटा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप बेचते हो, तो आप सेल डीड बनाते हो, बनाए, आपने सुना होगा ये शब्द सेल डीड। उसी प्रकार से जब आप शेयर्स को बेचते हो ना, तो आपको एक ट्रांसफर डीड बनाना पड़ता है, जिसके लिए फॉर्म कौन सा है, SH4 फॉर्म है, बोलो कौन सा है, SH4 फॉर्म है, समझे क्या आप बात को, यस, जिसको साइन करेगा ट्रांसफरर भी और ट्रांसफरी भी दोनों, यानी कि टाइगर और दिशा दोनों इसको साइन करेंगे और इसके ऊपर डेट डालेंगे और भेज देंगे बेटा किसको, कंपनी को, बोलो किसको भेज देंगे, कंपनी को। तो कंपनी विल नॉट रजिस्टर अनलेस, कंपनी रजिस्टर नहीं करेंगी जब तक मतलब जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जाता। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रॉपर डीड बनाना, जिसको साइन करेंगे कौन, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी साइन करेंगे और उस पर तारीख डालेंगे कि कौन से तारीख पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने बोलो, उसकी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है सर, किसके अंदर दोगे आप, SH4 के अंदर दोगे, बोलो किसको दोगे, SH4 के अंदर आप यहां पे दोगे। अब देखो यहां पे आपको डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर भी, अच्छा ट्रांसफरर कौन होता है, जो दे रहा है शेयर्स उसे बोला जाता है ट्रांसफरर। अपने केस में टाइगर ट्रांसफरर है,
और जिसको जो ले रहा है, समझना, अपने केस में जो ले रही है शेयर्स उसे बोला जाता है क्या, ट्रांसफररी बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है, ट्रांसफररी उसे अपन लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो ना जल्दी से, इसे अपन लोग ट्रांसफररी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम ऑन एवरीवन जल्दी से बोलेंगे, ट्रांसफररी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है, किसके, दिशा के डिटेल्स देना। अच्छा, क्या डिटेल्स देंगे, नाव वाले डिटेल्स देंगे। बोलो क्या डिटेल्स देंगे, नाव वाले, जैसे कि नाम हुआ, एड्रेस हुआ, ऑक्यूपेशन हुआ। क्या क्या बोलो जल्दी से, नाम एड्रेस ऑक्यूपेशन, नाम एड्रेस ऑक्यूपेशन। ये वही डिटेल्स है जो पहले भी कई बार आता था, और बेटा समझना तब अपन ने लिखा भी था, आरओसी को सब जानना है इसको, समझ रहे आप। तो बस वैसा ही है, यहाँ पे नाम एड्रेस और ऑक्यूपेशन यहाँ पे दिया जाता है ट्रांसफरी का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, वैष्णवी बड़ा गुस्सा हो गई, बेटा वैष्णवी बोल रही है ये क्या बात हो गई करके, ये तो बहुत ही हो गया, आप समझना है, तो बहुत ही हो गया करके, कि आप सिर्फ दिशा की डिटेल्स क्यों दे रहे, टाइगर की भी तो दो, टाइगर ने जो दिया ना शेयर्स उसकी भी तो डिटेल दो। तो कंपनी ने बोला टाइगर के बारे में मत बताओ, हमें टाइगर के बारे में सब इंफॉर्मेशन है, क्योंकि टाइगर ने जब शेयर को खरीदा था तो उसने अपनी पूरी डिटेल्स हमको दे दी थी, कि उसने कहां से लाया था पैसे, उसने कहां से पैसे लाया था, कब उसको क्यों खरीदना चाहता है, कितने खरीदा, ये सब हमारे पास डिटेल है। हमें अब जानना किसको है, अब हमें जानना है केवल और केवल ट्रांसफररी के बारे में, मतलब जिसको आप दे रहे हो ना उसके बारे में, समझ रहे क्या आप बात को, बोलिए ना मेरे को जल्दी से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, तो दूसरा हो गया, अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूंगा मैं। देखो तीसरा क्या सर, जिस दिन आपका, सुनो ना, सुनिए ना मैं जो कह रहा हूं सर, जिस दिन डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन आपने ट्रांसफर डीड बनाया, क्या कहा मैंने बोलो, जिस दिन आपने ट्रांसफर डीड बनाया, तो ट्रांसफर डीड से 60 दिनों के अंतर्गत ये इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना पड़ेगा कंपनी को। क्या कहा मैंने बोलो, ये देखो ना, डेटेड एंड साइन है ना, तो मान लो डेट हुआ यहाँ पे कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल डेट हुआ, तो 1 अप्रैल से लेके 60 दिन तक, 60 दिन के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को आपको कंपनी को देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ शेयर सर्टिफिकेट या अलॉटमेंट लेटर भी दे देना। मतलब क्या, अब शेयर सर्टिफिकेट क्यों देना, क्योंकि अरे अपने को भी तो पता चलना चाहिए टाइगर एक्चुअल में ओनर है। ये कैसे पता चलेगा, जब उसके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा, और मान लो अभी तक शेयर सर्टिफिकेट आने का है, तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा ना, तो आप अलॉटमेंट लेटर को दे दो। अब समझे क्या बात को, आप अलॉटमेंट लेटर को दे दो। अब ऐसे केस में क्या कहा, बोलिए ना, 60 दिन 60 डेज के अंदर हम लोग यहाँ पे समय दे रहे हैं, कि जिस दिन से आपने एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया है वहां से 60 दिन के अंदर बराबर चले जाना कंपनी के पास, और इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर कर देना, शेयर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर को भी दे देंगे। क्या ये सब अलॉटमेंट लेटर को भी यहाँ पे दे देंगे, बराबर है। अब एक बात का ध्यान रखना, ये केवल और केवल जो कंडीशन है फिजिकल शेयर के ऊपर लगती है। अगर कोई शेयर डिपोजिटरी में है, मतलब डिपोजिटरी के पास है, डीमैट के पास है, तो गप से ट्रांसफर हो जाता है, अपने को तो पता भी नहीं चलता। आप समझ रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं, बोलो ना जल्दी से। यस सर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिटेल्स है केवल और केवल फिजिकल शेयर को, सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने के लिए लगती है, ये बाकी किसी और चीज के लिए नहीं लगती। यानी कि अगर डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज है ना, वहां पे तो एक क्लिक पे शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, मेरी डिटेल्स ऑलरेडी होती है, सामने वाले की डिटेल्स भी जब वो डीमैट अकाउंट बनाया होगा ना, तब पूरी डिटेल्स होती है मौजूद। समझे क्या बात को, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हो क्या। यस सर, तो ये हुआ पहला वाला पॉइंट जो किसके बारे में बात किया। अगर सर कोई पर्सन अपने शेयर को ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सन को, तो उसे कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब कंपनी इस ट्रांसफर को रजिस्टर करती है, लेकिन नहीं करेंगी जब तक आप इंस्ट्रूमेंट नहीं दोगे। दूसरा, हमको डिटेल्स लगेंगी ट्रांसफरी की। और तीसरा, जिस दिन आपका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ है, वहां से 60 दिन के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट चले जाना चाहिए किसके पास, कंपनी के पास, अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट एंड अलॉटमेंट लेटर। ये केवल और केवल फिजिकल सर्टिफिकेट के लिए लगने वाला है, डिपॉजिटरी के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगती। सर बहुत बढ़िया, अब देखो, अब सर मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा हुआ कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो अगर लॉस्ट या डिलीवर नहीं हो पाता है, क्या कहा मैंने बोलो, हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया था दिशा, और समझिए ना बात को, दिशा और टाइगर ने बनाया इंस्ट्रूमेंट को, दिशा और टाइगर ने बनाया। अब ऐसे केस के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट तो बना था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट खो गए हम कहा, समझ रहे आप बात को, लॉस्ट हो गया, या वो किसी कारणवश डिलीवर नहीं हो पाया बेटा,
तो क्या कंपनी रजिस्टर करेंगी क्या? हाँ, कंपनी फिर भी ट्रांसफर को रजिस्टर कर देंगी, लेकिन टर्म्स ऑफ इंडेमनिटी को साइन करा लेंगी। इंडेमनिटी का मतलब होता है मेकिंग गुड द लॉस। इसका क्या मतलब है कि कल चल के कंपनी देखो टाइगर से क्या कह रही है, देखो आपने इंस्ट्रूमेंट दिया, खोया, खो गए हमका, आपने गाना गाया, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम रजिस्टर करने के लिए भी रेडी है, लेकिन कल चल के अगर जाकी दादा आ गए और वो बोले बिडू ये शेयर तो मेरे नाम पे था, तूने ऐसे जैसे दिशा बिटिया को दे दिया, तो हम क्या करेंगे? समझो ना आप बात को, कंपनी बोल रही है हम क्या करेंगे, आप ये बताइए करके, हम करे तो करे क्या, हम फंस गए ना ऐसे केस में, तो लुटपुट गया, पूरा लुटपुट गया बेटा यहाँ पे। आप समझ रहे क्या बात को जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर, ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाएंगी। मेरा नेट भी ले जा, मेरा नेट चले गया रे मेरा, क्या हो गया है नेट को। हाँ तो अब सब कुछ ठीक है बेटा, ओके अब परफेक्ट है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब ठीक है, पता नहीं वो एयरटेल बिंग एयरटेल और कुछ नहीं, चलिए आओ। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ तो देखो क्या सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखो कंपनी बोल रही है ठीक है तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है सब कुछ एकदम परफेक्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम फिर भी रजिस्टर कर देते, लेकिन कल चल के जैकी दादा आए और बोले बीड़ू ऐसे कैसे ट्रांसफर कर दिया करके दिशा बिटिया को, ये तो केवल मेरे इंस्ट्रूमेंट थे या केवल मेरा सर्टिफिकेट, तो कंपनी क्या करे? कंपनी तो लुटपुट गई ना बेटा। तो ऐसे केस में ये लोग इंडेमनिटी को साइन करा के ले लेते हैं टाइगर से, बोले अगर कल चल के किसी और व्यक्ति ने आके क्लेम किया ना, दिशा को नहीं रे शेयर को, किसी और व्यक्ति ने आके क्लेम किया ना शेयर को, तो समझना जो हमें नुकसान होगा ना हम वो किससे वसूलेंगे? हम वो तेर से वसूलेंगे। फिर मत बोलना टाइगर तो दुनिया में कम बचे, अब ऐसा करूंगे, आहां इतना धोएंगे ना, समझ नहीं रहा है। ठीक है क्या बोला, बोलो जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट खो गया या डिलीवर नहीं हो पाया तो कंपनी फिर भी रजिस्टर कर डालेंगी, लेकिन क्या करेंगी? इंडेमनिटी को साइन करा के लेंगी। बोलो ना क्या करेंगी? इंडेमनिटी को साइन करा के लेंगी, और इंडेमनिटी को साइन करने के बाद ही बेटा रजिस्टर करेंगी, तब तक बोलेंगी मैं तो रजिस्टर नहीं कर रहा। समझ रहे आप बात को? बोलो 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 जल्दी से। यस सर, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस सर। चलो आ जाइए। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तीसरे पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं मैं। अब मान लीजिए, ये तो फालतू पॉइंट है बहुत ज्यादा, अगर गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड है बेटा, गवर्नमेंट भी बॉन्ड बॉन्ड इशू करती है, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड इशू करती है, लोगों से पैसा ले लेती है। इसकी दो चीजें होती है, एक तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए कि इकोनॉमी से निकल जाए, थोड़ा सा बाहर आ जाए, इसलिए बॉन्ड इशू कर सकती है। वाकई गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है तब बॉन्ड इशू करती है, और लोग भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि सेफ होता है, बिल्कुल पता है गवर्नमेंट थोड़ी डुबाएंगे अपने पैसे। बैंक डूब सकती है, कोई कंपनी डूब सकती है, लेकिन आप समझना बात को, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी डूबेंगे ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि सर इन केस ऑफ द गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड, तो आपको इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, आपको इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? इंटीमेशन दे देना ट्रांसफरी का, क्या है नाउ वाला, मतलब नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, और इसके साथ साथ बॉन्ड या लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी दे दोगे ना तो चल जाएगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड सिक्योरिटी है या गवर्नमेंट बॉन्ड है तो आपको इंस्ट्रूमेंट बनाने की आवश्यकता है क्या? नहीं सर। बोलो जल्दी से, आवश्यकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। समझे क्या सारे लोग? बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अब देखो, अब यहाँ पे अपना पहला वाला पोर्शन कंप्लीट होता है ट्रांसफर से रिलेटेड, जहां पे मैंने बताया था कि ट्रांसफर होता है लेकिन कंपनी रजिस्टर नहीं करेंगी ट्रांसफर को जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया आपका इंस्ट्रूमेंट खो गया या डिलीवर नहीं हुआ, और तीसरा मैंने आपको बताया कि जहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप समझ रहे क्या? यू विल नॉट बी, मतलब आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। अब मैं जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, वो कौन सा है? ट्रांसमिशन। समझना बात को, कौन सा है बोलो जल्दी से? ट्रांसमिशन है। क्या है? सभी लोग बोलेंगे ना ट्रांसमिशन है, कमेंट करेंगे सारे के सारे लोग। अगला टॉपिक कौन सा?
ट्रांसमिशन हमारा अगला टॉपिक है। अब ये ट्रांसमिशन किस बारे में बात करता है, ट्रांसमिशन किस बारे में चर्चा करता है, सारे लोग समझना। देखो ट्रांसमिशन होता कब कब है पहले तो आप ये समझ लो। ट्रांसमिशन होता है दिल के कारण, किसके कारण बोलो जल्दी से, दिल के कारण ट्रांसमिशन होता है। मतलब कि डेथ इंसॉल्वेंसी और लुनेंसी, क्या कहा मैंने बोलो, डेथ इंसॉल्वेंसी और लुनेंसी। डेथ का मतलब क्या होता है, ईश्वर का मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसे डेथ बोला जाता है बेटा। इंसॉल्वेंट का मतलब यहां पे ये होता है कि जहां पे एक पर्सन लुटपुट गया, मतलब उसके लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट प्लस ही इज अनेबल टू पे ड्यूज, तो मैं कहता हूं वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया। जिसका दिवाला निकल जाता है ना, उसे सर इंसॉल्वेंट व्यक्ति बोला जाता है। और लुनेंसी का मतलब क्या होता है, लुनेंसी, सभी लोग बोलेंगे क्या है ये, लुनेंसी लुनेंसी मत करना, लुनेंसी है, अच्छे से बोलो लुनेंसी, है ना, लुनेंसी, ऐसे बोलो सारे लोग। आजू बाजू कोई छोटा भाई बहन या बड़ी भाई बहन होंगे तो बोलेंगे गया, लगता है इसका दिमाग फिर गया इंटर पढ़ने में, लुनेंसी। या तो लुनेंसी का मतलब क्या होता है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मतलब क्या कि जिसका दिमाग गया काम से, दो चार स्क्रू ढीले हो गए जिसके, तो उसे बोला जाता है लुनेंसी। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से, लुनेंसी बोलते नहीं तो, लुनेंसी उसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो लुनेंसी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन जो अपना खो चुका है, जो पूरी तरीके से पागल हो चुका है ना, उसे बोला जाता है लुनेंसी। तो देखो क्या यहाँ पे होती है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, क्या होता है बोलो, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। डेथ के केस में किसको सिक्योरिटी जाएंगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इंसॉल्वेंट के केस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि इस दिवाले वाले पर्सन के असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करो, तो वो प्रोफेशनल पर्सन को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोला जाता है, तो उसको ट्रांसफर हो जाता है सिक्योरिटीज। और तीसरा लुनेंसी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है देखभाल करने वाला व्यक्ति जो होता है ना बेटा, उसको यहाँ पे सारी सारी सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है सर। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत है, ना, अब कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं। अगर सर डेथ हो गई है ना, तो आप सोच के देखो, भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बना के भेज दिया कि बोले अब उठा रहा हूं मैं इसको, अब तू है। आप ये नहीं, अब देखो इंस्ट्रूमेंट बनाया तो साइन लगती, तो आप ये थोड़ी बोलोगे भगवान जी प्लीज इंस्ट्रूमेंट बनाना, एक साइन फिर लेके जाना, पक्का गारंटी प्रॉमिस कर रहा हूं मैं छोड़ के जाऊंगा इसको साक्षात, बस एक साइन के लिए नीचे भेज दो करके, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब साइन कर, और मान लो अगर वो साइन करने के लिए इंसान आ गया ना बेटा, तो लोग भाग जाएंगे। अब सोच के देखो ना, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है और इंस्ट्रूमेंट को साइन करने के लिए वो आ गया, तो क्या मजा आएगा जीवन में, है ना। तो ऐसे केस के अंदर आप सोच के देखिए यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है, क्या कहा मैंने बोलो, इसलिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत यहाँ पे आप सोच के रहे हो साक्षात वो साइन करने के लिए आ रहा, क्या मजा आएगा भाई, इंस्ट्रूमेंट रहने दे भाई, नहीं चाहिए सिक्योरिटीज, रख तू ही सिक्योरिटी पर, तू मेरे को बच दे करके, है ना। नॉमिनी का नाम होगा ना बेटा, नॉमिनी को ही तो सिक्योरिटी ट्रांसफर हो रही है, वही तो ट्रांसफर ही है, आप सोच के देखो वही ट्रांसफर ही तो है, इसलिए फिर वही दोनों जगह क्यों साइन करें, बख्श दोनों उसको। तो इसलिए बोला कि आपको क्या नहीं करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रांसफरी को इंटीमेट बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, और कंपनी इसको वेरीफाई करेंगी, देखेंगी एक्चुअल में मर गया क्या, एक्चुअल में इंसॉल्वेंट हो गया क्या, या एक्चुअल में पागल हो गया क्या, और उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगी सिक्योरिटीज को, ठीक है। तो ट्रांसफरी इन्फॉर्म कर देगा कंपनी को, बहुत दुखद हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आप सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करो, फिर कंपनी वेरीफाई करके सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर डालती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे कर डालती है। अब बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ अनपेड शेयर्स के बारे में। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए टाइगर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहां पे, ये है टाइगर और इधर कौन है, ये बाघ हुआ, और यहां पे कौन है बेटा, दिशा, है ना। चलो अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो टाइगर क्या कर रहा है, टाइगर शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है, शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन वो पेडअप कितना पैसा है उसके ऊपर का, पेडअप 80 रुपए का पैसा है, पूरा फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि जो ट्रांसफरर है ये शेयर को दे रहा है ट्रांसफरी को जो पार्टली पेड अप है, यानी कि 100 रुपए शेयर है और अभी 80 रुपए ही उसके ऊपर कंपनी ने कॉल किया है, 20 रुपए अभी भी अनपेड है। अब सवाल ये बनता है, अब यहां पे क्या होगा, तो देखो
ट्रांसफरर इंटीमेट करेगा कंपनी को, बताएगा कंपनी को, टाइगर बताएगा कंपनी को कि मैंने दिशा को दे दिया सिक्योरिटीज शेयर्स, मैंने दिशा को दे दिया। अब कंपनी की फटी पड़ी है, कंपनी को लग रहा है कि ये टाइगर ने अगर दिशा को दे दिया तो मैं पहले ही दिशा को बता देता हूं कि 20 रुपए तुमको देना पड़ेगा, बाद में मत बोलना ओ माय गॉड आई गॉट चीटेड फ्रॉम टाइगर, ओ माय गॉड, ऐसा आपको करने नहीं देंगे, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये जो टाइगर ने आपको शेयर दिया है ना, हाँ ये जो टाइगर ने आपको शेयर दिया है ना, ये क्या है, ये अनपेड है, क्या है बोलो जल्दी से, अनपेड है करके, सारे लोग बोलो ना जल्दी से, ये अनपेड है करके, अच्छा ये अनपेड। तो क्या हुआ, कंपनी ट्रांसफरी को इन्फॉर्म करती है, नोटिस देती है SH5 के अंदर, किसके अंदर देती है बोलो ना, SH5 के अंदर नोटिस देती है, ठीक है ना। और दिशा को यहां पर बोला जाता है दो हफ्ते, हम आपको दो हफ्ते का समय दे रहे हैं दिशा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप एनओसी दे देना, आपसे एनओसी नहीं आया तो हम ये शेयर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। और दिशा ने बोल दिया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बिंदास शेयर्स को ट्रांसफर कर दो, तो हम शेयर को ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर कल चल के दिशा ने बोला नहीं देती 20 रुपए, तो ऐसे केस के अंदर समझना अपन क्या दिशा से ले सकते हैं क्या 20 रुपए, हाँ सर ले सकते हैं, समझे क्या आप बात को, बोलो जल्दी से मुझे क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या जो मैं कहना चाहता हूं, सारे लोग बोलिए ना, अरे यार जल्दी जल्दी बोलो ना मेरे को, है ना, यस सर, चलो ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों के साथ ये बताया कि सर अपन नोटिस देंगे ट्रांसफरी को और ट्रांसफरी से दो हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए एनओसी, तो मैं शेयर्स को ट्रांसफर करूंगा, नहीं तो मैं शेयर्स को तब तक ट्रांसफर नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब कंपनी ये शेयर सर्टिफिकेट, अब ये जो ट्रांसफर का शेयर सर्टिफिकेट है कब तक देना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सर, अगर सब्सक्राइबर ऑफ एमओ है तो दो महीने ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है दो महीने के अंदर आपने शेयर सर्टिफिकेट भेज देना चाहिए, कौन किसको, अगर सब्सक्राइबर ऑफ एमओ को है तो। अगर सर अलॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर हुआ है तो दो महीने ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ है उस दिन से दो महीने के अंतर्गत आपने क्या दे देना चाहिए बेटा, शेयर सर्टिफिकेट भिजवा देना चाहिए। सर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का केस है तो जिस दिन आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मिला ना उससे एक महीने के अंदर आपने नया शेयर सर्टिफिकेट भेज देना चाहिए ट्रांसफरी को, किसको बोलो जल्दी से, ट्रांसफरी को, किसको बोलो जल्दी से, ट्रांसफरी को, ठीक है ना, ओके सर। उसके बाद देखिए अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स अगर आप कर रहे हो तो छह महीने के अंदर, अलॉटमेंट से छह महीने के अंदर आपने क्या दे देना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपके साथ कि पर्सन को, देखो ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि पर्सन को यहां पर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कंपनी के द्वारा, कितने समय के अंदर उसके बारे में बात किया, टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब कंपनी को के पास कितना मैक्सिमम टाइम है शेयर सर्टिफिकेट देने का, उसके बारे में ये टॉपिक ने पूरी पूरी चर्चा किया है, उसके बारे में पूरी पूरी बातचीत यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर ऑफ एमओए तो इनकॉर्पोरेशन से दो महीने बोला, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट से दो महीने बोला, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन है तो एक महीने बोला, और आखिरी में मैंने क्या बताया, डिबेंचर्स है तो छह महीने का समय दिया गया है शेयर सर्टिफिकेट देने का। सर डिबेंचर्स के केस में एक महीने में दिया दो ना, लेकिन सात महीने नहीं चलेगा, एक महीने चल जाएगा, विद इन सिक्स मंथ्स आप दे सकते हो, लेकिन आप समझ रहे क्या, अरे बोलो ना यार, बोलो ना जल्दी से मेरे को, क्या बात को समझ रहे हैं क्या, यस सर, सारे लोग बोलेंगे यस सर बात समझ में आ गई है करके, फटाफट बोलो, फटाफट क्विकली बोल दो, मैं आगे बढ़ू, हाँ सर। अब देखो, अब मैं बात करूंगा आपके साथ किसके बारे में, देखिए यहाँ पे सर हम लोग अब पढ़ रहे हैं कौन से केस में, सुनो सुनो सुनो, एक नया केस आपको बता रहा हूं सर। अगर कोई पर्सन है जिसकी सिक्योरिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसमिट हो रही है, क्या हो रही है बोलो, ट्रांसमिशन का केस है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सर एक पर्सन की सिक्योरिटीज एलआर को जा रही है, एलआर ने ट्रांसफर एप्लीकेशन किसको दिया, कंपनी को दिया, एलआर ने ट्रांसफर एप्लीकेशन दिया कंपनी को इस तारीख पे। अब कंपनी तो एक महीने के बाद क्या देने वाली है बेटा, इसका सर्टिफिकेट देने वाली है, क्योंकि टाइम लिमिट एक महीना है, अभी अपन ने पढ़ा था एक महीने का टाइम लिमिट है। तो देखो क्या हुआ सर, सिक्योरिटीज ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो रही है, आज मैंने एप्लीकेशन अर्जी लगा दी, लेकिन एक महीने के बाद मेरे पास सर्टिफिकेट आने वाला है। तो अब सवाल क्या बनता है, अब सवाल बनता है क्या इस एक महीने के अंदर जब से मैंने एप्लीकेशन दिया है से लेके जब तक मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या इस एक महीने के अंदर, क्या इस एक महीने के अंदर मैं इन सिक्योरिटीज को बेच सकता हूं क्या, सेल कर सकता हूं क्या,
बेच सकता हूं क्या, सेल कर सकता हूं क्या, उसके बारे में यहां पे बात की जा रही है, ठीक है ना। तो सवाल क्या बनता है कि हाँ आप इसको बेच सकते हो, अगर आप बेचते हो तो ये बिल्कुल वैलिड माना जाता है। मतलब सर मेरे पास अभी तक ट्रांसफर का अप्रूवल आने से पहले मैंने किसी और को चिपका दिया फिर भी अलाउड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसमिशन के केस में एब्सोल्युटली वैलिड माना जाता है वो, क्योंकि जानते हो कि आज ना कल तो सिक्योरिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही मिलने वाली है, समझना, आज ना कल सिक्योरिटीज एलआर को ही मिलेंगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही मिलेंगी, तो वो चाहे तो अलॉटमेंट मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट आने से पहले ही बेच सकता है क्या? बिल्कुल बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर इस सेक्शन में डिफॉल्ट करोगे कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 की पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है ना। चलो क्या आप लोगों ने इसको लिख लिया, लिखेंगे बाद में, अगर आपने छूटा वोटा भी होगा थोड़ा बहुत तो छोड़ दो भी, मैं आपको बाद में लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, अभी आप आ जाएंगे फटाफट सेक्शंस को रीड करेंगे अपन, ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज सब सेक्शन 1 एक्सेप्ट वेयर ट्रांसफर इज बिटवीन द पर्सन बोथ हुज नेम्स आर एंटर्ड एज अ होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी अ कंपनी शैल रजिस्टर द ट्रांसफर। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर एक होल्डर से दूसरे होल्डर को बेनिफिशियरी होल्डर ही है दोनों, एक मतलब जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड नाम पे है, तो हमको वहां पे नहीं लगेंगे ये सब चीजें, हम बाकी इसमें बात कर रहे हैं जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो अ कंपनी शैल का मतलब क्या होता है, करना ही पड़ता, ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा कंपनी को, shall register a transfer of किसका ट्रांसफर को रजिस्टर, सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी या इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, है ना, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, मतलब गारंटी कंपनी के बारे में इन्होंने बात किया, वहां पे इंटरेस्ट होता है और ऊपर वाले केस में शेयर्स होते हैं। कंडीशन क्या क्या लगेगा, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी के द्वारा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर नाव होगा, ठीक है सर, इसको ड्यूली स्टैम्प करके डेट भी किया जाएगा, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, SH4 आप यूज करोगे, और कब, सिक्योरिटीज जब फिजिकल फॉर्म में है तब। इंस्ट्रूमेंट को आप डिलीवर कर दोगे, इस इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करोगे, जिसके साथ आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा शेयर्स को, 60 दिनों के अंदर देना पड़ेगा। सर मान लो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देना। प्रोविजन क्या कहता है, वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अगर लॉस्ट, अगला दूसरा कोई कलर लूंगा, लॉस्ट हो जाता है या डिलीवर नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं बेटा, एक काम करेंगे हम, प्रिस्क्राइब टाइम दैट इज 60 days फ्रॉम द एग्जीक्यूशन से कंपनी रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन इसे इंडेमनिटी को साइन करना पड़ेगा जो भी बोर्ड बोलेगा, समझ रहे हैं आप बात को, तो जो भी बोर्ड बोलेगा उस इंडेमनिटी से हिसाब से आप चीजों को कर लेना, ठीक है सर। अब देखो ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफरर अलोन, ठीक है, देखो वेयर एप्लीकेशन इज मेड बाय ट्रांसफरर अलोन, मतलब जब टाइगर एप्लीकेशन देता है and relates to partly paid up share, company shall not register transfer of partly paid up unless company has given a notice in form SH5 to transferee, notice kisko jayega, transferee ko, and transferee gives NOC, kitne din ke andar, 2 week ke andar transferee ko NOC dena padega, theek hai sir, example dekh lena, baad mein padhenge, exemption deke rakha hai, government securities ke case mein exemption deke rakha hai, unko इंस्ट्रूमेंट देने की जरूरत नहीं है, समझना, इंस्ट्रूमेंट लगता है क्या, नहीं लगता है, फुल एग्जेम्पशन ऑफ कंडीशन हेल्ड इन नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट, पार्शियल एग्जेम्पशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स बाय द गवर्नमेंट कंपनी, ओके, ओनली इंटीमेशन बाय ट्रांसफर इज स्पेसिफाइंग हिज नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन इफ हैज बीन डिलीवर्ड टू कंपनी अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू बॉन्ड, तो ऐसे केस के अंदर, एंड इफ नो सर्टिफिकेट इज इन एग्जिस्टेंस अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ अलॉटमेंट, तो बस उतना दे दो तो गवर्नमेंट उसको रजिस्टर कर डालती है। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला, देखो नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, कौन से केस में सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में जरूरत नहीं है ऐसा बोल रहा है। अब देखो पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 56(1), द पावर ऑफ द रजिस्टर ट्रांसमिशन शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय कंडीशन इंपोज्ड बाय 56(1) ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर।
Hence, company is empowered to register transmission of right if it receives intimation from any person to whom such right has been transmitted. मतलब बोला जा रहा है कि अगर transferee भी company को inform करता है तो company क्या उसको register कर सकती है? हाँ, यानी कि सर बोला जा रहा है, there is no need for submission of instrument of transfer in case of transmission. तो transmission के case में आपको IOT की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती सर. ठीक है ना? ओके सर. IOT मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ठीक है. ट्रांसमिशन, द वर्ड ट्रांसमिशन मींस डिवोल्यूशन ऑफ टाइटल अदरवाइज देन बाय ट्रांसफर. फॉर एग्जांपल डेथ, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, बैंक्रप्सी, मैरिज एक्सेट्रा. ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी पर्सन इज एंटाइटल टू ट्रांसमिशन बिकम्स होल्डर एंड इज एंटाइटल टू ऑल राइट्स एंड सब्जेक्ट टू ऑल लाइबिलिटीज अराइजिंग देयर फ्रॉम. Where transfer of shares is brought about by delivery of a proper instrument of transfer, that is transfer deed, duly stamped and executed, transmission is done by forwarding necessary documents. आपको यहाँ पे केवल necessary documents देना पड़ता है, जैसे notarized copy of death certificate. मतलब समझ रहे, मिस्टर ए है, एक कोई ए है, उसके पापा की डेथ हो गई, तो पापा के डेथ सर्टिफिकेट अब जब आप दे दोगे, कंपनी को भी दे दोगे, तो कंपनी क्या करेंगी, जो पापा के सिक्योरिटीज है वो बेटे को या बेटी को ट्रांसफर कर देंगी. ठीक है सर. फ्यू केसेस दिल के बारे में इन्होंने बात किया है यहाँ पे, और किस किस को दिया जाएगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ऑफिशियल रिसीवरी को, और लुनांसी के केस में किसे दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट वाले को दिया जाता है. ठीक है सर. अब देखो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डिजीज पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांसफर की. मतलब सर ये बेच रहा है करके. ठीक है ना. देखो, ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय एलआर ऑफ डिजीज पर्सन शैल बी वैलिड इफ एलआर इज होल्डर एट एनी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इवन इफ एक्चुअल ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट रजिस्टर्ड होल्डर. मतलब कंपनी के पास अभी तक एक महीने का वो पीरियड हुआ नहीं, उससे पहले ही भाई साहब बेच रहे उसको, तो वैलिड बोला क्या? बिल्कुल यहाँ पे वैलिड बोला गया. ठीक है ना. अब सर पीरियड ऑफ डिलीवरी के बारे में बात किया कि कब तक कंपनी ने यहाँ पे दे देना चाहिए करके शेयर सर्टिफिकेट. तो देखो, अगर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है तो 2 महीने इनकॉर्पोरेशन से, अलॉटमेंट है तो 2 महीने अलॉटमेंट से, ट्रांसफर है तो 1 महीने के अंदर, ट्रांसमिशन है 1 महीने के अंदर, अलॉटमेंट है तो 6 महीने के अंदर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर है तो 6 महीने के अंदर होना चाहिए, और IFSC सिक्योरिटीज में 60 डेज का क्राइटेरिया. ये एक अलग ही दुनिया है IFSC की. इनको मतलब नॉर्मल लॉ से लेना देना ही नहीं है, ये बोले हम अपना कुछ अलग ही करेंगे करके. तो हर जगह आपको IFSC मुंह उठा के दिखी जाता है कहीं ना कहीं. अब देखो यहाँ पे क्या, Where securities are dealt in the depository, DMAT form में, तो कंपनी क्या करेंगी, इंटीमेट करेंगी डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट टू डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी कौन से होते हैं, CDSL, और एक और कौन सा है, लिखना बोलो ना जल्दी से, NSDL करके. ठीक है ना. ओके. अब पेनल्टी होती है सर, 50,000 की पेनल्टी लगाई गई है. लाइबिलिटी ऑफ डिपॉजिटरी अगर डिफ्रॉड करने की कोशिश करता है कोई भी पर्सन, तो 447 के अंदर अपन लगा देंगे क्या. बिल्कुल सर. डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे, विद द डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस बिकमिंग नेसेसिटी ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू डीमटेरियलाइज ऑल ऑफ द सिक्योरिटीज एज पर रूल 9A, द चांसेज ऑफ फॉर्जरी आर वेरी थिन और ऑलमोस्ट निगलेक्ट. पहले बेटा, अगर पहले फिजिकल फॉर्म में तो भी गड़बड़ हो सकती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो बहुत ही कम चांसेस बच चुके हैं खत्म होने के. फिर भी प्रोविजन 447 बोलता है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और 447 के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, याद आ रहा, वो एक लिमिट डिसाइड करते थे, फिर लिमिट के नीचे है अपर, ऊपर है फ्रॉड. नीचे है तो विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट होता था, वो ऊपर है बेटा तो यहां पे जेल होती थी 6 महीने से 3 साल, और दूसरे में 6 महीने से ऐसा कुछ तो भी था ना, याद आ, 6 महीने से 10 साल, और दूसरे इसमें 3 साल से 10 साल, ऐसे यहाँ पे वहां पे बताया गया था पूरा. ठीक है ना. चलो, तो ये होता है अपना एक सेक्शन समाप्त. अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसके अगर नोट्स लिखना है तो मैं फटाफट आपको क्या करवा देता हूँ, नोट्स दिखा देता हूँ. ये आपका पहला पेज, इतना देख लो, अनलेस तक किसी को इसमें से कुछ भी लिखना है तो फटाफट लिख लो. सो आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो बढ़िया तरीके से पसंद आ गया और सारे कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आए हो. जाने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अल्टीमेट CA का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जी हाँ, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, उसके बाद CA इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस पे जाइएगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फुल कोर्स की बैच भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको लॉ और ऑडिट पढ़ाता हूँ. इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपको सिर्फ लॉ
चाहिए तो सिर्फ लॉ भी परचेज कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पढ़ना है मुझसे तो आप ऑडिट भी बाय कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको लॉ एंड ऑडिट का कॉम्बो चाहिए तो आप लॉ एंड ऑडिट के कॉम्बो को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, लॉ एंड ऑडिट के कॉम्बो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पे आप क्लिक करते हैं, एनरोल नाउ पे यहाँ पे जाइएगा, ये फुल लेक्चर्स है, डिटेल लेक्चर्स है बेटा, यहाँ पे लाइव बैच जो चालू हुई है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर आपको बैकअप भी मिल जाते हैं, 2 व्यूज का आपको बैकअप मिलता है, रिकॉर्डेड में स्ट्रेट अवे आपको 3 व्यूज मिलते हैं, यानी कि 60 मिनट्स के लेक्चर को 180 मिनट्स तक आप देख सकते हो और 100 मिनट के सेशन को 300 मिनट तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। 9 मंथ्स एंड 3 व्यूज होता है, विद बुक्स ऑप्शन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे दो चीजें, एक आप हमारी पुरानी बैच जिसमें आपको 100% लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे, और दूसरा ये हमारी नई वाली बैच है जहाँ पे रोज रोज लेक्चर अपलोड होते हैं, सुबह लेक्चर होता है, शाम में या अगले दिन तक वो लेक्चर ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड टू कार्ड कीजिएगा एंड देन फिर यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है पूरा पूरा प्रोसीजर। प्लीज यहाँ पे अपने एड्रेस को सही तरीके से डालिएगा, पिन कोड सही तरीके से डालिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम आपको बुक्स भिजवा सके। 3 कॉपीज आपको मिलती है, 2 मॉड्यूल और 1 कलर बुक आपको, 1 क्वेश्चन बैंक, दो मॉड्यूल्स दोनों कलर वाली होती है, और तीसरी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिलती है, राइट। सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक होती है, हर एक सेक्शन के ऊपर अलग अलग वहां पे क्या दिए जाते हैं, हर एक सेक्शन के ऊपर अलग अलग चीजें यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस उसके अंदर दिए रखे हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए आपको पसंद आई हो। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय।